जी हाँ भाइयों बहनों, बहुत बड़ी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए हैं। देखिए, इतनी काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं जिनके द्वारा दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो। देखिए, यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोस्तों, चाहे महिला चाहे पुरुष, तो यहाँ पे सीधे आप अपने आधार कार्ड पे यहाँ पे दोस्तों 4 लाख रुपए ले सकते हो। और यह काफ़ी लोग इस योजना का लाभ ले भी चुके हैं। अब देखिए, बात करेंगे दूसरी योजना की, जो कि यहाँ पे एक परिवार में एक नौकरी दोस्तों मिल रही है। वो कैसे मिल रही है, कहाँ पे आपको आवेदन करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और डिफरेंट प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप इस योजना में बड़े आसानी से लाभ ले सकते हो। उसके बाद में भी हम देखिए काफ़ी योजनाओं की चर्चा करेंगे जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा सुखमय हैं, लाभदायक हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी फ्री स्कूटी, जो आपके बच्चे लड़के लड़कियाँ पढ़ने जाते हैं उनको देखिए यहाँ पर फ्री स्कूटी मिल रही है, फ्री लैपटॉप्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों कंप्लीट चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे आधार कार्ड पे दोस्तों 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। कैसे आप उन 4 लाख रुपए को ले सकते हो, कहाँ पे आपको आवेदन करना है, क्या इसकी कागजी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पर 4 लाख रुपए लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास देखिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यह वीडियो छोड़ सकते हैं, इसमें आपके लिए इस योजना में कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी जो योजनाएं हैं जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना, उन वो आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती है बिना आधार कार्ड वालों के लिए। लेकिन दोस्तों 90% जो योजनाएं चल रही हैं वो आधार कार्ड पर बेस्ड हैं और बिना आधार कार्ड के कोई भी उन योजनाओं में लाभ नहीं उठा सकता। तो चलिए बात करेंगे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपके पास एक वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो आपके स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, या आप कहीं ऑफिस कार्यालय में कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पे उसका जो है यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा। अब देखिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास किसी भी सरकारी बैंक में एक खाता होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से दोस्तों यहाँ पे अटैच होना चाहिए। बता दें, यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो आप इसे करवा भी सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। चलिए बात करेंगे, अब ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको कहाँ पे आवेदन करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें और जोड़ने हैं। तो देखिए, और डॉक्यूमेंट्स की मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक फाइल और बनवा लेनी है, जो भी आप दोस्तों अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए। अब ये फाइल दोस्तों कहाँ बनेगी, तो ये आप किसी वकील किसी लॉयर के द्वारा तहसील से बनवा सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों आपको एक आय प्रमाण पत्र और बनवा लेना है, ये 50 से 80 रुपये में बन जाता है, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में क्रिएट करके दोस्तों, जिसमें आपको उस बिजनेस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करवा देनी है, किसी वकील से लॉयर से लिखवा लेना है दोस्तों कि आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या मशीनरी लगेंगी, ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर लिखवा लेनी है। अब ये सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको जाना है अपने नज़दीकी जो भी आपके पास में सरकारी बैंक हो दोस्तों उसमें, और वहाँ पे आप प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत दोस्तों आप यहाँ पे सीधे 4 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का दोस्तों यहाँ पर कम से कम 2 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन आप बैंक से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल में प्रोसेस चल रही है वो दोस्तों 4 लाख रुपए वाली अधिकतर चल रही है, तो यहाँ सीधे सीधे आप अपने खाते में 4 लाख रुपए ले सकते हो इतनी आसान सी प्रोसेस करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री ने ये इतनी अच्छी योजना चला दी है जिससे कि बेरोजगारी में दोस्तों सीधे यहाँ पे कटाक्ष पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पे सीधे बेरोजगारी में लाभ मिलेगा। जो बेरोजगार लोग चल रहे हैं दोस्तों, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो अपना रोजगार यहाँ से बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और देखिए, इस पैसे पर किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये 4 लाख रुपए बिना ब्याज के आपको मिल रहे हैं। अब देखिए, बात करेंगे यहाँ पे अगली योजना की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिनको भी इस योजना में लाभ लेना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने जिले का नाम हमें जरूर दें। चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगली योजना की दोस्तों, जो कि एक परिवार में एक नौकरी योजना है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना चला दी है, एक परिवार में एक नौकरी योजना। दोस्तों इस योजना के चलते पूरे देश से, जो हमारा देश है भारत देश, यहाँ से पूरी भुखमरी बेरोजगारी सब खत्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे एक परिवार में एक नौकरी योजना चल जाएगी दोस्तों, लोगों को नौकरी मिलने लगी है, तो बाकी जो भी स्टेट रह गए हैं, जो भी राज्य रह गए हैं, उन पर भी यहाँ बहुत जल्दी ये योजना एक्टिव होने वाली है। आपके राज्य में हो
हुई है नहीं हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य के बारे में, अपना नाम, अपने राज्य के बारे में जरूर बताएं, जिससे कि आपको हम बता सकें कैसे कि आपको यहाँ पे लाभ लेना है। चलिए बात करेंगे जो कॉमन प्रोसेस चल रही है यहाँ पे आवेदन करने की, उसकी यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक परिवार में एक नौकरी योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। परिवार का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपके राशन कार्ड में जितने भी नाम दर्ज हैं दोस्तों, उन नामों में से कोई भी आपका सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इतने सारे कंडीशन कंप्लीट करने के बाद, कंडीशन फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपने जितने पढ़ाई लिखाई कर रखी है दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान पत्र की फोटोकॉपी यहाँ पे दोस्तों लगा देनी है। और यहाँ पे आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जो है CSC सेंटर पे जाके आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आपके शहर में सामुदायिक विकास केंद्र होगा दोस्तों, वहाँ पर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में बड़े ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आवेदन करने में किसी को भी जरा भी भूल नहीं करनी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे वह इस योजना में वंचित रह जाएंगे। कोई भी योजना हो दोस्तों, बिना आवेदन किए आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो जिनको भी यहाँ पे इस योजना में लाभ लेना है, एक परिवार एक नौकरी योजना में लाभ लेना है, सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम दोस्तों हमें जरूर बताएं। चलिए बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट योजना जो चल रही है, काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अंगूठे से लाइक कर देना है वीडियो को, जिससे मैं दोस्तों किसी भी तरह का आपका कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा सबसे पहले। चलिए बात करेंगे अगली योजना की। तो दोस्तों यहाँ पे अगली योजना में मिल रही है फ्री स्कूटी। देखिए, लड़कियों को जो अपने घर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में काम करने जा रही हैं, उनको यहाँ पे फ्री स्कूटी मिल रही है, ताकि उनको आने जाने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जिन लड़कियों को भी स्कूटी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं दोस्तों, जिससे कि उनको यहाँ फ्री स्कूटी योजना में लाभ मिले सबसे पहले। अब देखिए, एक परिवार एक नौकरी योजना में जरूर आवेदन करना आपको, क्योंकि यह योजना सबसे मोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूटी वगैरह तो मिलती रहती है, लेकिन दोस्तों इस योजना में लाभ उठा लोगे तो जिंदगी भर यहाँ पे जो है सुखमय अपनी लाइफ चला सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे जरूर आवेदन करना है। स्कूटी जिनको भी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर दें। और इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी कंडीशन है, वो ये है कि आपके घर और आपके ऑफिस कार्यालय या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर हो। यदि 5 किलोमीटर से भी दोस्तों दूरी कम है, जैसे 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो भी आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि उन लोगों को भी यहाँ पे स्कूटी मिल गई है जिनकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे जरूर आपको आवेदन करना है। यदि आप अपने CSC सेंटर पे जाके आवेदन करना चाहते हो, तो वहाँ भी दोस्तों इस योजना में आवेदन कर सकते हो आप, स्कूटी योजना में। अब देखिए, जो भी हमारे किसान भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने आवेदन नहीं किया है। क्योंकि आवेदन नहीं करोगे तो आपको किसी भी योजना का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो भी हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अपना कर्ज माफ़ करवाने के लिए, चाहे वो KCC हो, चाहे दोस्तों भूमि विकास जो बैंक होता है, जो भूमि पर लोन देता है वो हो, या कोई भी आपका बैंक हो, कैनरा, आंध्रा, केंद्र, जो भी आपकी बैंक हैं केंद्र वाली, तो यहाँ पर देखिए उनका जो कर्जा माफ़ किया जा रहा है केंद्र सरकार की योजना के तहत, किसान कर्ज माफ़ी योजना। तो यदि आपको किसी भी तरह का कर्ज है दोस्तों किसान भाइयों पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम जरूर दें, जिससे कि दोस्तों उनका यहाँ पे पूरा डाटा चेक किया जा सके और उनका कर्जा यहाँ पे माफ़ करवाया जा सके। और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें। आपको इन योजनाओं में से कोई भी योजना पसंद है और आप यहाँ पे लाभ लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके परमिशन दें कि हम आपका जो है नाम दोस्तों शॉर्टलिस्ट कर सकें और देखिए यहाँ पे आपको लाभ दिलवा सकें। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे अगली योजना की, जो कि बिजली बिल से रिलेटेड है। यदि आपके पास बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे बिजली बिल माफ़ करने की योजना चलाई है। जो लोग इसके हकदार हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे दोस्तों जीवन यापन कर रहे हैं, BPL कार्ड धारक हैं, तो उनको यहाँ पे बिजली कनेक्शन बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। और दोस्तों बिजली की भी जो आपको आधी कॉस्ट देनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए बाकी लोगों को 4 रुपये यूनिट है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये यूनिट ही देने पड़ेंगे, और वो भी प्रधानमंत्री समय समय पर योजना चला देते हैं जिससे कि बिजली बिल माफ़ हो जाता है, जो कि अभी फिलहाल चल रही है। तो यदि आपको यहाँ पे बिजली बिल माफ़ कराना है, आपके पास बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम हमें जरूर दें और अपने राज्य, अपने शहर का नाम दें। बाकी आपको कोई भी चीज़ देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और देखिए वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि आपको योजना पसंद है।
अब जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, आपके वीडियो के नीचे इंटरफेस है वहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और हमारी अपडेट हमारी वीडियो सबसे पहले लेने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों जो भी सरकारी योजना चलती है सबसे पहले आपको यहाँ हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, उसके बाद आपको कहीं और मिलती है। तो देखिए सरकारी योजना जो भी चल रही है, जो लोग यहाँ सबसे पहले आवेदन कर देते हैं वो सबसे पहले लाभ भी उठा लेते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं दोस्तों वो काफ़ी योजनाओं में पिछड़ते हुए भी हमने देखे हैं। तो हमारी सभी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यहाँ पे योजना में लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक करें जरूर। ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों, एक पैसे का भी चार्ज नहीं है। उन लोगों के लिए मैं आप बता देता हूँ जो यहाँ थोड़ी सी कम जानकारी है उनको, तो ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। इस चैनल पर कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कोई भी आपको कीमत नहीं देनी पड़ती, कोई भी डाटा आपका यहाँ पे खर्च नहीं होता है वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो कर लें सभी लोग जिन्होंने नहीं किया। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई योजना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।